चलिए आज मैं सिखाती हूँ मैं अपना फेवरेट मेकअप लुक जो अभी आप देख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा नेचुरल सा सॉफ्ट सा होता है कि आप भी इसको हर जगह करने की सोचेंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। हर जगह मेरी तारीफ़ होती है कि मेकअप मैंने कहाँ से करवाया है। और ये आप खुद से कर सकते हैं कुछ टिप्स और स्टेप्स के साथ में, बिल्कुल ईजी। सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद गुलाब जल का स्प्रे किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले लिप बाम लगाया। लिप बाम इसलिए मैं पहले लगा ले रही हूँ जब तक मैं मेकअप करूँगी मेरा लिप जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट सीरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्लम का सीरम, और उसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंसीलर का यूज़। जहाँ पे मेरी अनइवन स्किन टोन है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ, और एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया ताकि आपको समझ में आए, इसकी ब्लेंडिंग वहीं करनी है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो और उसका नोटिफिकेशन आपके पास बेल आइकन से ही आएगा, तो बिल्कुल प्रेस कर देना बेल आइकन। और आप देख सकते हैं मैंने ये कंसीलर यूज किया है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। अगर आप ये लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। आप यहाँ पे जो मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ऑयली स्किन के लिए है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपना स्किन जो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का ही फाउंडेशन यूज़ किया है जो मैट फिनिश देता है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके फेस पे पैसेज आएंगे। उसके बाद इस एक ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में डिप किया था, अच्छे से उसे निचोड़ दिया, उसके बाद उसी का यूज़ करके डैबिंग मोशन में मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। बिल्कुल इजीली ब्लेंड हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई अच्छा फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने फेस पे किया सेटिंग स्प्रे का यूज़ और ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ड्राई होने दिया। अब कर रही हूँ फेस को कंटूर, और कंटूर करने के लिए आप कोई भी ब्राउन पैलेट का यूज़ कर सकते हैं या फेस कंटूर स्टिक कंटूर है आपके पास उसका कर सकते हैं। उसके बाद नोज कंटूर करने के लिए आप देख रहे हैं मैं कितना कम प्रोडक्ट उठा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि आपने बेस किया है। अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपका बेस भी ख़राब होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल लाइट करें, पहले थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद में फिर आप थोड़ा और प्रोडक्ट ले, इस तरीके से आप नोज कंटूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं कर रही हूँ आईब्रो फिल। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया था वेट एंड विल का किट, और आईब्रो फिल करने की फुल ट्यूटोरियल ज़रूर देख लेना, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। क्योंकि अगर आपकी आईब्रो अच्छे से फिल हो जाती है ना तो फिर पूरा मेकअप लुक चेंज हो जाता है। बेशक आप नेचुरली मेकअप करें या मेकअप भी ना करें, तब भी आपका मेकअप आपका जो फेस होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने पिंक कलर लिया एज ए ट्रांजेक्शन कलर में, मैंने पूरी आई पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लिया, उसे कट क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ, बस इतना ही करूँगी। उसके बाद एक लिक्विड लाइनर लिया मैंने यहाँ पे सिमरी, और उसे अप्लाई करने के बाद फिंगर से ही डैब डैब कर दूँगी। बस यहाँ पे मेरा आई मेकअप जो है बस इतना ही करने वाली हूँ जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेकअप लुक मेरा फेवरेट है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप करेंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा ये मेकअप लुक। किसी भी पार्टी फंक्शन में डे में जा रहे हैं और नाइट में जा रहे हैं, ये मेकअप लुक ऐसा है कहीं भी कर सकते हैं आप। किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पर कर सकते हैं, बर्थडे पर कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं या फिर रात के पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद ब्राउन कलर लिया मैंने वाटर लाइन के नीचे, इसे स्मज कर दिया, और बस इसके बाद में मस्कारा लगा लें। अगर आपका मन करे तो फेक लैसेस लगा लें। और ये मेकअप लुक एक बार गाइज मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा होता है। साड़ी पे, सूट पे, आप किसी भी ड्रेस पे कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही नेचुरल सा आता है। और ये मेकअप लुक ना हर किसी को पसंद आने वाला है। उसके बाद ब्लश लिया मैंने, ब्लश मैंने यूज़ किया मिस क्लेयर का, और बिल्कुल नेचुरल सा पूरे फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, और थोड़ा सा नोज पे भी करूँगी थोड़ी नेचुरल लुक लाने के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर जो कि अफोर्डेबल है, ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, ओके है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने लैसेस जो यूज़ किया वो रेड जेरिक का है और 3D आई लैसेस है, तो अगर आप लेना चाहते हैं अफोर्डेबल है तो ले सकते हैं। मार्स का मस्कारा मैंने यूज़ किया है यहाँ पे।
उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं लिपस्टिक के लिए मैं सिर्फ लिप लाइनर का यूज़ करूँगी, लिपस्टिक आज अप्लाई नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर लिया है, उसी को पहले आउटलाइन किया, उसी को अपने लिप पे फिल कर लिया था और बहुत ही अच्छे से, अगर आप कोई लिप लाइनर से लिपस्टिक लगाना चाहेंगे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। और हाँ, मेकअप लुक कैसा लग रहा है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलती हूँ, मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, कमेंट का मैं वेट करूँगी, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेकअप लुक। बाय बाय, टेक केयर।